और राजधानी रायपुर से बड़ी खबर, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उत्तर प्रदेश के आगरा दौरे पर कांग्रेस के आयोजित युवा संसद कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। भर्ती विधान घोषणा पत्र को लेकर युवाओं से चर्चा की जाएगी। तो बड़ी खबर आपको राजधानी रायपुर से बता रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उत्तर प्रदेश के आगरा दौरे पर रहेंगे, कांग्रेस के आयोजित युवा संसद कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और भर्ती विधान घोषणा पत्र को लेकर युवाओं से चर्चा की जाएगी। बड़ी खबर आपको राजधानी रायपुर से बता रहे हैं। तो रायपुर से आपको है बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उत्तर प्रदेश के आगरा दौरे पर रहेंगे, कांग्रेस के आयोजित युवा संसद कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, भर्ती विधान घोषणा पत्र को लेकर युवाओं से चर्चा की जाएगी। बता दें कि उत्तर प्रदेश में चुनाव नजदीक है, ऐसे में भूपेश बघेल मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ लगातार वहां पर प्रचार प्रसार के जरिए कांग्रेस की ओर वोट मांगने की अपील कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के आगरा दौरे पर हैं, साथ ही कांग्रेस के आयोजित युवा संसद कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, भर्ती विधान घोषणा पत्र को लेकर युवाओं से भी चर्चा की जाएगी। तो राजधानी रायपुर से आपको यह खबर बता रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उत्तर प्रदेश के आगरा दौरे पर हैं, कांग्रेस के आयोजित युवा संसद कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, भर्ती विधान घोषणा पत्र को लेकर युवाओं से चर्चा की जाएगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रायपुर से संवाददाता आकांक्षा तिवारी हमारे साथ जुड़ गई हैं। आकांक्षा, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आगरा के दौरे पर रहेंगे, कांग्रेस की जो युवा संसद कार्यक्रम में हिस्सा भी लेंगे, क्या कुछ उनकी पूरा यहां पर रणनीति है, किस मुद्दों को लेकर चर्चा की जाएगी? बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बीती शाम से उत्तर प्रदेश आगरा के दौरे पर हैं और बीते शाम उन्होंने एक महत्वपूर्ण बैठक भी कांग्रेस यानी कि प्रदेश कांग्रेस उत्तर प्रदेश की ली थी। इसके बाद आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आगरा जाएंगे। आगरा में कांग्रेस की ओर से जो आयोजित युवा संसद है, इसमें सीएम बघेल आज शामिल होते नजर आएंगे। इसके माध्यम से जो उत्तर प्रदेश के लिए कांग्रेस की ओर से भर्ती विधान घोषणा पत्र तैयार किया गया है, उस घोषणा पत्र के संबंध में युवाओं से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चर्चा करेंगे। कुल मिलाकर के देखा जाए, एक युवा संसद के माध्यम से तमाम युवाओं को वहां पे एकत्रित करके उन्हें आगामी जो कांग्रेस की योजना है प्रदेश कांग्रेस की, उसके संदर्भ में जानकारी दी जाएगी। युवाओं के समक्ष जो सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी की, उसको लेकर के यहाँ पे जानकारी दी जाएगी। कुल मिलाकर के देखा जाए, युवाओं को साधने की कोशिश कांग्रेस उस क्षेत्र में युवा संसद के माध्यम से करती नजर आएगी। जी जी आकांक्षा, बिल्कुल युवाओं को साधने की कोशिश यहां पर कांग्रेस करेगी। हालांकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को अहम जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश में मिली है, इसे लेकर युवाओं का वर्ग, खासकर कांग्रेस में जो युवाओं का वर्ग है, काफी अहम माना जा रहा है। भूपेश बघेल कई दावे भी कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में भारी मतों से कांग्रेस इस बार लाएगी, तो इसको लेकर क्या रणनीति कांग्रेस की रहेगी, क्योंकि भूपेश बघेल के हाथ में पूरी कमान दिखाई दे रही है? बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को दो अहम जिम्मा उस क्षेत्र में दिया गया है। एक तो वरिष्ठ पर्यवेक्षक के रूप में सीएम बघेल लगातार वहां पे दौरा करते रहे, इसके अलावा स्टार प्रचारकों की सूची में भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का नाम है। ऐसे में काफी अहम हो जाता है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के लिए ये जिम्मा उठाना कि किस प्रकार से कांग्रेस को उस क्षेत्र में जीत दिलाई जाए। हालांकि ये जरूर कांग्रेस लगातार कोशिश कर रही है कि जो रणनीति छत्तीसगढ़ में बनाई गई थी विधानसभा चुनाव के बीच, वही रणनीतियों के साथ इस बार उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस जीत हासिल करे। और यही वजह है कि हर वर्ग को साधने की कोशिश की जा रही है घोषणा पत्र के माध्यम से। तमाम जो वर्ग है, चाहे हम महिला वर्ग की बात करें, युवा वर्ग की बात करें, तो इन सभी के लिए घोषणा पत्र में अनेकों वादे किए गए हैं। युवाओं के मद्देनजर भी अगर हम देखें तो युवा घोषणा जो भर्ती घोषणा पत्र, भर्ती विधान के नाम से जो घोषणा पत्र निकाला गया है, इसके माध्यम से युवाओं को सीधे तौर पर बड़ा वादा किया गया है कि जो भर्ती प्रक्रिया जिसके लिए लगातार लेट लपेटी उस क्षेत्र में होती है, तो उसे सुदृढ़ किया जाएगा यानी कि सरल किया जाएगा। इसके अलावा रोजगार के नए सृजन, 20 लाख रोजगार उपलब्ध कराने की घोषणा इस घोषणा पत्र के माध्यम से की गई है। कुल मिलाकर के देखें, एक बड़े पैमाने को, बड़े वर्ग को साधने की कोशिश इसे कही जा सकती है। जी
जी आकांक्षा, हालांकि अभी चुनावों में काफी वक्त है, लेकिन जिस तरीके से छत्तीसगढ़ मॉडल की पूरी देश भर में चर्चा की जा रही है, खासकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जहां भी जाते हैं छत्तीसगढ़ मॉडल को जरूर प्रस्ताव रखते हैं, चर्चा करते हैं, तो ऐसे में देखना होगा कि उत्तर प्रदेश में किस तरीके से जो चुनाव आने वाले हैं किस तरह से वह असर पैदा करेगा और क्या राजनीतिक बदलाव इस मॉडल के जरिए देखने को मिलेंगे। फिलहाल जानकारी साझा करने के लिए आकांक्षा आपका बहुत शुक्रिया। तो भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, इसी बीच बता दें रायपुर से आपको यह बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उत्तर प्रदेश के आगरा दौरे पर हैं, कांग्रेस के आयोजित युवा संसद कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे।